हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं बीबीएन मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर अगर आप देखने जा रहे हो या आप सोच रहे हो इस फिल्म की क्या कलेक्शंस आने वाली है, तो आप सही जगह पे आए हो। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फिल्म कैसी है, फिल्म की क्या कलेक्शंस आने वाली है, बहुत सारी जानकारी, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं फिल्म कैसी है, फिल्म की क्या कलेक्शंस आने वाली है। तो इस वीडियो में वही हम आपको जानकारी देने वाला हूँ। मैं खुद अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊँगा, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलना शुरू हो गया है, बिकॉज बड़े बड़े ऐसे YouTube चैनल है जिसपे बताया जा रहा है कि फिल्म की कलेक्शंस करोड़ों में हो रही है, फिल्म के एडवांस बुकिंग लाखों में टिकट बुक हो रही है। इसको देखते हुए अर्ण आदर्श जी, जो कि एक बड़े ट्रेड फिगर हैं, उन्होंने गुस्से में ये ट्वीट किया है। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों की जो बुकिंग है बहुत ही कम हुए हैं, देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। इनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में हूँ, उनका देख सकते हैं ट्वीट के हिसाब से आप सोच लीजिए माइंडलिटी क्या होगा। उन्होंने कहा बहुत ही बिलो एवरेज में टिकट बुकिंग हुई है और मूर्ख बनाना बंद करें लोगों को। बहुत सारे ऐसे चैनल्स वाले हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं इतने करोड़ की टिकट बुकिंग हुई है। तो भाई, ये तरुण आदर्श जी जो है एक बहुत बड़े ट्रेड फिगर हैं, ये जब ट्वीट करते हैं कि कितनी कलेक्शंस आई है, क्या आई है, यही ट्वीट करते हैं, बिकॉज इनके पास एकदम प्रॉपर जो है इनके पास ट्रेड फिगर होता है, तो यही ट्वीट करते हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस फिल्म को लेकर जो भी टिकट बुकिंग होगी वो काउंटर से अगर होती है तभी अच्छी खासी इसकी बुकिंग होने वाली है, नहीं तो इसकी बहुत ही कम एडवांस बुकिंग हुई है। हालांकि अगर कलेक्शंस की बात कर ली जाए तो बड़े बड़े क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इस फिल्म की जो कलेक्शंस है 10 से 12 करोड़ जाने वाला है। अगर ऑन डिमांड जो कि काउंटर पर टिकट बुकिंग है, तो या अगर अच्छी फिल्म जाती है तो हाईएस्ट 15 से 16 करोड़ जाने वाला है, उससे अधिक नहीं जाने वाला है पहले दिन का कलेक्शंस। वहीं अगर रिव्यूज़ की बात कर ली जाए तो इसकी स्क्रीनिंग जो हुई है उसमें से बड़े बड़े क्रिटिक्स का कहना है कि मिले जुले रिव्यूज़ हैं। मैं क्या कहूँ, मिले जुले रिव्यूज़ हैं। अगर आप जाके देखोगे, जैसे KRK हुआ, वो बंदा तो भाई हर फिल्म को फ्लॉप बताता है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं उनका ये कहना है कि मतलब मिले जुले रिव्यूज़ हैं, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को पसंद भी आए, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे ये भी क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें म्यूजिक उतना मतलब खास है नहीं, फिल्म जो है बीच बीच में बहुत स्लो है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मिले जुले रिव्यूज़ आए हैं। हालांकि अब पब्लिक को कैसी पसंद आती है वो तो कल ही पता चलने वाला है। दोस्तों, आपकी ओपिनियन क्या है, इस फिल्म को आप कल देखने जा रहे हो या नहीं देखने जा रहे हो, आप कमेंट करो और ज़रूर बताओ, इससे दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए।